नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्पाइरोमाइड टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, स्पाइरोमाइड टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और स्पाइरोमाइड टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि स्पाइरोमाइड टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में स्पाइरोमाइड टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। स्पाइरोमाइड टैबलेट का उपयोग शरीर से एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए और ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है। लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से लकवा लगने का, दिल का दौरा पड़ने का और किडनी खराब होने की समस्याएं होने का जोखिम अधिक हो जाता है। शरीर में लिवर, किडनी और दिल से संबंधित बीमारियां होने की वजह से पैरों या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है, इसलिए सूजन को कम करने के लिए डॉक्टर स्पाइरोमाइड टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। स्पाइरोमाइड टैबलेट डायूरेटिक ड्रग क्लास की दवा है। स्पाइरोमाइड टैबलेट को लेने के बाद पेशाब अधिक आता है, इसलिए डॉक्टर स्पाइरोमाइड टैबलेट को उन लोगों को भी लेने की सलाह दे सकते हैं जिन व्यक्तियों को कोई किडनी से संबंधित समस्या है या जिन लोगों की किडनी अच्छी तरह से काम नहीं करती है। स्पाइरोमाइड टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। स्पाइरोमाइड टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन फ्रुसेमाइड और स्पाइरोनोलैक्टोन होता है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्पाइरोमाइड टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। स्पाइरोमाइड टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर स्पाइरोमाइड टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। स्पाइरोमाइड टैबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है, इसलिए आपको स्पाइरोमाइड टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना स्पाइरोमाइड टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्पाइरोमाइड टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में स्पाइरोमाइड टैबलेट की वजह से कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में स्पाइरोमाइड टैबलेट की वजह से चक्कर आ सकते हैं, सिरदर्द हो सकता है, कानों में कुछ बजने की आवाज आना और आँखों में धुंधलापन हो सकता है। इसके अलावा स्पाइरोमाइड टैबलेट की वजह से नींद अधिक आना, पेट में बेचैनी, दस्त और शरीर में कमजोरी हो सकती है। स्पाइरोमाइड टैबलेट की वजह से शरीर में पानी की कमी हो सकती है और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का संतुलन बिगड़ सकता है। अगर आपको स्पाइरोमाइड टैबलेट को लेने के बाद शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी, चक्कर आना, मांसपेशियों में ऐंठन, उल्टी आने का मन होना और मुंह में सूखापन होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। स्पाइरोमाइड टैबलेट की वजह से शरीर में पानी की कमी बहुत ज्यादा हो सकती है। शरीर में पानी की कमी बहुत ज्यादा होने पर किडनी की कार्य प्रणाली बिगड़ सकती है। इसके अलावा स्पाइरोमाइड टैबलेट की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। स्पाइरोमाइड टैबलेट की वजह से अन्य साइड इफेक्ट्स भी पॉसिबल है। अगर आपको स्पाइरोमाइड टैबलेट को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षण होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्पाइरोमाइड टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में स्पाइरोमाइड टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। स्पाइरोमाइड टैबलेट को शाम के 4 बजे के बाद लेना रेकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि स्पाइरोमाइड टैबलेट को लेने के बाद पेशाब अधिक आता है। अगर आप स्पाइरोमाइड टैबलेट को शाम के समय लेते हैं, तो आपको रात के समय बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने स्पाइरोमाइड टैबलेट को शाम को लेने की सलाह दी है, तो आप स्पाइरोमाइड टैबलेट को शाम के समय ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पेशाब नहीं आ रहा है या जिन व्यक्तियों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ने की वजह से पेशाब कम आ रहा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए स्पाइरोमाइड टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है और ऐसे व्यक्तियों को डॉक्टर की सलाह के बिना स्पाइरोमाइड टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को स्पाइरोमाइड टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट जैसे फ्रुसेमाइड या स्पाइरोनोलैक्टोन आदि से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को
स्पाइरोमाइड टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं स्पाइरोमाइड टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए स्पाइरोमाइड टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि स्पाइरोमाइड टैबलेट माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी डॉक्टर स्पाइरोमाइड टैबलेट को लेने की सलाह तभी देते हैं जब स्पाइरोमाइड टैबलेट का देना बहुत ही जरूरी हो। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को स्पाइरोमाइड टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को स्पाइरोमाइड टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका स्पाइरोमाइड टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।